नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपको हमारे चैनल में। मैं नाम ऋषि, आज के इस वीडियो में बात करने वाले हैं बिहार राज्य फसल सहायता योजना यानी कि फसल बीमा के बारे में। दोस्तों फसल बीमा को लेकर एक बहुत ही बड़ी अपडेट यहां पे जारी की गई है कि अगर आपने जो बिहार राज्य फसल सहायता योजना के लिए कभी भी यहां पे आवेदन किया है तो पहले क्या था दोस्तों कि आप जो है उसका स्टेटस यहां पे चेक नहीं कर सकते थे, यानी कि आपको पेमेंट मिला है या फिर नहीं मिला है उसका कोई भी स्टेटस चेक करने का कोई भी आप लोग का लिंक नहीं था। लेकिन अभी जो है सरकार की तरफ से एक बहुत ही बड़ी अपडेट जारी की गई है कि आप यहां पे चेक कर सकते हैं कि आपको पैसा मिला है या फिर नहीं मिला है। जिन भी किसानों ने यहां पे फसल सहायता योजना के लिए आवेदन किया है वो अपना पेमेंट स्टेटस यहां पे चेक कर सकते हैं या फिर अपना जो यहां पे आवेदन का स्थिति है उसको यहां पे देख सकते हैं। अब किस तरीके से आप लोग यहां पे अपना पेमेंट स्टेटस चेक करना है, कहां से आप लोग को लिंक मिलेगा, किस तरीके से आप लोग यहां पे शो कर रहा है, सब कुछ मैं आप लोग यहां पे दिखाने वाला हूं, तो वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा। लेकिन उससे पहले अगर आपने हिमाचल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो नीचे रेड कलर का बटन, हिमाचल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए इस वीडियो को, जितना उसको शेयर कीजिए ताकि और भी लोगों को जानकारी मिल सके। चलिए शुरू करते हैं अपना आज के वीडियो। दोस्तों पहले क्या था कि अगर आप लोग को फसल सहायता योजना का जो आवेदन का स्थिति है उसको जानना है या फिर पेमेंट का स्टेटस आप लोग को जानना है तो आप जो यहां पे चेक नहीं कर सकते थे, कोई भी आप लोग का लिंक यहां पे जारी नहीं हुआ था जिससे कि आप यहां पे जो पेमेंट स्टेटस है उसको चेक कर पाए। लेकिन अभी जो है आप लोग का लिंक एक्टिव कर दिया गया है, लिंक जारी कर दिया गया है। अगर आप लोगों ने कभी भी आवेदन किया है, आपको पैसा मिला है या फिर नहीं मिला है वो आप जो है ऑनलाइन घर बैठे चेक कर सकते हैं। अब इसको चेक करने के लिए आपको करना क्या है, सबसे पहले आप लोग को जो है उस लिंक पे जाना है। तो वो लिंक आपको कहां मिलेगा वो मैं आप लोग को बताता हूं। तो उसके लिए आपको करना क्या है, सबसे पहले अपने गूगल में टाइप करना YTDC। आप यहां पर जो YTDC देख रहे हैं ये आपको अपने गूगल में टाइप करना है। सबसे पहला जो लिंक मिलेगा उस पर क्लिक करके आपको इस वेबसाइट पर चले आना है। फिर आपको थोड़ा सा नीचे आना है, यहां पर लेटेस्ट अपडेट और सरकारी योजना का ऑप्शन मिलेगा। यहां पे देख पाओगे बिहार फसल सहायता योजना स्टेटस चेक का ऑप्शन जो है आपको देखने को मिल जाता है। अगर आपको नहीं मिलता है तो यहां पे आप जो बिहार फसल लिखिएगा, इस तरीके से बिहार फसल लिखकर आपको जो सर्च करना है तो यहां पे आप देख पाओगे आप लोगों को देखने को मिल रहा है बिहार फसल सहायता योजना स्टेटस चेक, तो इस पे जो है आपको क्लिक करना है। इस पोस्ट का जो डायरेक्ट लिंक है वो आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगा, कमेंट में मिल जाएगा, तो वहां से क्लिक करके आप जो है डायरेक्टली इस पोस्ट पे आ सकते हैं। अब यहां पे आने के बाद आपको करना क्या है, नीचे आना है। यहां पे मैंने जो पूरा जानकारी आप लोगों को दे रखा है, सारा कुछ मैंने आप लोगों को बता रखा है, आपको नीचे जो है चेक करना है, पूरा प्रोसेस बता रखा है कि किस तरीके से आपको चेक करना है, कितना लाभ आप लोगों को मिलता है। तो यहां पे आप लोगों को 7500 से लेकर जो है 10000 रुपए तक का जो लाभ है वो आप लोगों को देखने को मिलता है प्रति हेक्टेयर, और यहां पे 2 हेक्टेयर के लिए आप लोगों को जो लाभ है वो यहां पे देखने को मिलता है, यानी कि 20000 रुपए तक का जो लाभ है वो आप लोगों को यहां पे देखने को मिल जाएगा। नीचे की जगह स्टेटस किस तरीके से चेक करना है वो आप लोगों को यहां पे देखने को मिल जाएगा। यहां पे देख पाओगे कुछ इस तरीके से आप लोगों का लिंक जो है देखने को मिलेगा, आपको नीचे करना है, आपको सबसे नीचे आना है। यहां पे देख पाओगे इंपॉर्टेंट लिंक्स का आप लोगों का ऑप्शन है और यहीं पे जो है आप लोगों को फॉर स्टेटस चेक का ऑप्शन देखने को मिलता है, क्लिक पे आपको क्लिक करना है। जैसे आप यहां पे क्लिक पे क्लिक करते हैं कुछ इस तरीके से आप लोगों का वेबसाइट यहां पे ओपन हो जाता है। अब यहां पे देख पाओगे बिहार राज्य फसल सहायता हेतु भुगतान की स्थिति, यानी कि पेमेंट का जो स्टेटस है वो आप यहां पे चेक कर सकते हैं। और ऊपर में आप लोगों का जो लिंक है वो यहां पे दिया गया है, बिहार राज्य फसल सहायता हेतु भुगतान की स्थिति, यहां पे भी आप लोगों का जो लिंक है वो यहां पे दे दिया गया है। यहां पे जैसे आप क्लिक कीजिएगा तो यहां से आप लोगों का ये जो लिंक है वो डायरेक्टली ओपन हो जाएगा। अब यहां पे आप लोगों को अपना पेमेंट स्टेटस चेक करना है, तो इसके लिए आपको करना क्या है, यहां पे जो क्लिक करना है, यहां पे सारा मौसम आप लोगों का दिया गया है, यानी कि पिछला जो 3-4 मौसम आप लोगों का दिया हुआ है, जिस भी मौसम का आप यहां पे चेक करना चाहते हैं वो आप यहां पे चेक कर सकते हैं। अभी जो है आप लोगों का खरीफ 2022 का जो वेरिफिकेशन है वो यहां पे चल रहा है, इसलिए जो है वो आप लोगों का शो नहीं कर रहा है। यहां पे 2021-22 जो रबी आप लोगों का था वो आप लोग यहां पे शो कर रहा है, तो मान लीजिए आप लोगों को इसका देखना है तो इस पे आपको जो क्लिक करना है। फिर आप लोगों को यहां पे जो सहकारिता विभाग का पावती संख्या, यानी कि जो आप लोगों को प्रिंट मिला था उसमें जो एप्लीकेशन नंबर था उससे आप चेक कर सकते हैं, या फिर जो कृषि विभाग का पंजीकरण संख्या, यानी जो आप लोगों का किसान रजिस्ट्रेशन नंबर है वो डालकर आप यहां पे चेक कर सकते हैं। तो यहां पे अपना किसान रजिस्ट्रेशन नंबर डालना है और भुगतान की स्थिति देखे पे आपको जो है क्लिक करना है। जैसे आप यहां पे क्लिक करते हैं किस तरीके से आपको शो होगा मैं आप लोगों को यहां पे दिखा देता हूं। जैसे आप वहां पे जो किसान पंजीकरण संख्या डालिएगा और उसके बाद यहां पे जो है आप सबमिट पे क्लिक कीजिएगा तो एक जो है ओटीपी आप लोगों का रजिस्टर मोबाइल नंबर पे जाएगा, जो भी आप लोगों का मोबाइल नंबर यहां पे रजिस्टर है उस पर एक ओटीपी जाएगा। कुछ इस तरीके से मैं जो यहां पे ओटीपी डाल रहा हूं, ओटीपी डालने के बाद आपको करना क्या है, वेरीफाई पे आपको जो है क्लिक करना है। जैसे आप यहां पे वेरीफाई पे क्लिक करते हैं यहां पे देख पाओगे रिकॉर्ड आर नॉट अवेलेबल, यानी दोस्तों यहां पे क्या है कि रवि का जो पैसा है वो हमको यहां पे नहीं मिला है, इसलिए हमारा कोई भी रिकॉर्ड यहां पे शो नहीं कर रहा है। इसी तरीके से आप लोगों को चेक करना है, अगर आप लोगों को पैसा मिला होगा तो आप लोगों का रिकॉर्ड वहां पे शो कर देगा। अगर आप लोगों को किसी और का फसल का देखना है, मान लीजिए 2021
2021 का जो खरीफ फसल था वो आपको देखना है तो यहां पे टिक कर सकते हैं, 2021 का देखना है तो यहां पे टिक कर सकते हैं। इसी तरीके से आप लोगों का सारा का जो लिंक है वो यहां पे दिया गया है। यहां से कम आप ये जरूर जान सकते हैं कि आपका पेमेंट मिला है या फिर नहीं मिला है, या फिर अभी जो किस स्थिति में है आप लोग का पेमेंट, वो आप यहां पे चेक कर पाइएगा। तो इस तरीके से आप यहां पे चेक कर सकते हैं। इसमें जो पैसा है वो बहुत ही कम किसानों को मिलता है, इसलिए हमको जो है कभी भी यहां पे पैसा नहीं मिला है, यानी कि जिनका भी मैंने यहां पे रजिस्ट्रेशन नंबर डाला था उनका कभी भी पैसा नहीं आया हुआ है, इसीलिए जो है आप लोग का शो नहीं कर रहा है। तो इस तरीके से आप अपना जो पेमेंट स्टेटस है उसको यहां पे चेक कर पाइएगा। बिहार राज्य फसल सहायता योजना के लिए मैंने आप लोगों को पूरा स्टेप बाय स्टेप जानकारी दे दिया है। आशा करते हैं कि आपको वीडियो पसंद आएगा। गरीब वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए, इस वीडियो को सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को, साथ ही साथ इस वीडियो को ताकि और भी लोगों को जानकारी मिल सके। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो, तब के लिए धन्यवाद।